वाउचिंग ऑफ पेटी कैश बुक। वाउचिंग ऑफ पेटी कैश बुक में ऑडिटर को अपने बिजनेस को करने के लिए कुछ पेटी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उन पेटी एक्सपेंसेस को करने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑडिटर को खुदरा रोकड़ बही का स्वरूप देकर उसमें लेखे और जांच की प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए। ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं उनकी कुछ स्लिप्स होगी और वो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सन से ऑथराइज्ड है या नहीं, इसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें कैश बुक और पेटी कैश बुक का आपस में मैच करना चाहिए ताकि एक्चुअल अमाउंट का पता लग सके। और हमें एक कुछ टाइम के बाद ये भी चेक करना चाहिए, टोटल पर ध्यान देना चाहिए कि टोटल करने वाले कर्मचारी और उचित अधिकारी के सिग्नेचर को देख लेना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को फुटकर रोकड़ से उधार लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जब दो या दो से इससे ज़्यादा हमारे जो पेटी कैश बैलेंसेज होते हैं उनका आपस में मैच करना चाहिए और डिफरेंट कॉलम को आपस में मैच करना चाहिए। एक लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी का केस हुआ था जिसमें एक्चुअल में उसका $30 था और 796 उसका मैच कर दिया। इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है वाउचिंग ऑफ परचेज़ बुक। परचेज़ का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी माल को ख़रीदते हैं तो ख़रीदते समय गुड्स रिसीव नोटबुक तैयार होती है और उससे पहले ऑर्डर नोटबुक तैयार होती है। तो माल हमने गोडाउन में चेक करना है प्रॉपर उस ऑर्डर नोटबुक से आया भी है या नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है ओरिजिनल वाउचर है नहीं। अगर इन द केस ऑफ ओरिजिनल वाउचर नहीं है तो डुप्लीकेट कॉपी से ऑडिटर उसकी मैचिंग कर सकता है। तो चेकिंग ऑफ एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस में ओरिजिनल वाउचर चेक किए जाते हैं। ओरिजिनल वाउचर्स में देखो इंस्टीट्यूट के नाम से है या नहीं और इंस्टीट्यूट के पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं, लेनदार का नाम है या नहीं। इनवॉइसेस का सीरियल नंबर, डेट्स और अमाउंट्स हमने चेक करनी है, कुछ डिस्काउंट अगर डिडक्शन दी गई है तो नहीं। और जिन इनवॉइसेस को हमने वेरीफाई कर लिया उनको रबड़ स्टैंप लगा देना चाहिए जिससे कि उनको दोबारा कैलकुलेट ना किया जा सके। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑन लॉस्ट वाउचर्स। कहते हैं कि ऑडिटिंग करते हो अगर कुछ वाउचर्स या स्लिप्स हमें नहीं मिल रही और जबकि हमने माल को एक्चुअल में ख़रीदा है तो डुप्लीकेट कॉपी से उसका मैचअप कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट कॉपी भी अवेलेबल नहीं हो पाती है तब ऑडिटर अपनी खुद की नोटबुक में उसको राइट डाउन करके ले जाएगा। नेक्स्ट आता है टेकिंग हेल्प ऑफ गुड्स इनवर्ट बुक। गुड्स इनवर्ट ये होता है कि गोडाउन में जितना माल आया है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो आपने किया था वो एक्चुअल में आया है या नहीं, तो उसके लिए गुड्स रिसीव्ड बुक का गुड्स रिसीव्ड नोटबुक से मैच कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि माल की परचेजिंग एक बार हुई और दो बार एंट्री कर ली है। तो ये सब देखने का काम एक ऑडिटर का होता है। चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग। कहते हैं परचेज बुक बनाते हुए हमने डिफरेंट कैलकुलेशन उसके बैलेंसेस की चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग हो गई है या नहीं। नेक्स्ट आता है गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। कुछ ऐसा रिसीव्ड होता है जो एक्चुअल में परचेजेस नहीं है, अप्रूवल बेसिस पर है, तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि अप्रूवल बेसिस पर है लेकिन उसको परचेज बुक में डायरेक्टली नोट कर दिया गया है। तो ये सब एक डीपली एनालाइज का काम एक ऑडिटर ही कर सकता है।